लुहान हुआ, बता नहीं बहन सूप नखा, ये तेरा किसने हाल किया। प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी मुटे यार नू, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी मुटे यार नू। क्या हाल चाल, मैं कपिल शर्मा आज मैं आपको लेकर आया हूँ जीए रिकॉर्ड के अंदर। आज अपने लेंगे इंटरव्यू अर्जुन शर्मा कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या कुछ है उनके पास। इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप देख सकते हो, उनके पास गिटार, हारमोनियम, ढोलक वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा उनके पास बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर बच्चे डांस भी करते हैं, गाना भी सीखते हैं, ढोलक वगैरह हारमोनियम वगैरह बजाना भी सीखते हैं, गिटार वगैरह भी, ठीक है। उसके अलावा वो गाना गाना भी सीखते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से गाना भी इधर गाते हैं। देख सकते हैं कितनी खुली लोकेशन है, कितनी अच्छी लोकेशन है, बच्चे आराम से डांस करते हैं। अच्छा ग्रुप के अंदर यहाँ पे डांस वगैरह भी करवाया जाता है, बहुत अच्छे मतलब इनके पास स्टूडियो के। तो ये हैं हमारे अर्जुन जी। अर्जुन जी क्या हाल चाल? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताइए। कपिल जी आए हैं हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में, हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने पहले मैं बता दूं कि पहले फटाफट से जो नीचे जो आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर का बटन उस पर क्लिक कर दो और एक जो बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हनुमानगढ़ की जो ब्लॉगिंग है उसके साथ साथ और सिटीज की भी मिलने वाली है, लेकिन जो हनुमानगढ़ की चीजें ऐसी दिखाई है जो अब तक किसी ने नहीं दिखाई, तो प्लीज सब्सक्राइब दबा दीजिए। बिल्कुल। सो अर्जुन जी आप किस टाइप का काम करते हैं, लोगों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल कपिल जी, देखो ऐसा है, बेसिकली मैं म्यूजिक में एमए हूं और हनुमानगढ़ के ही आपके ही अपने ही शहर का एक बच्चा हूं, और मेरे फादर श्री गिरिराज जी शर्मा हैं जो इसी प्रोफेशन में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और अभी भी वो के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं जो बेसिकली कपिल जी हिंदी गाने और पंजाबी गाने जो आजकल आप सुनते हैं उनको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपना म्यूजिक उसमें देता हूँ सर मैं। सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी ए रिकॉर्ड्स। जी से मेरे फादर का नाम है जो मैंने बताया, जी गिरिराज जी, और ए पे मेरा नाम जी ए रिकॉर्ड्स, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जी। ठीक है सर। अर्जुन जी कोई भी एक गाने के बोल आप सुना सकते हैं ताकि जो हमारे दर्शक है वो आपसे डायरेक्टली जुड़ पाए? जैसे कि कोई भी एक सॉन्ग जो आपका मन पसंद हो, सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आपको सुना देता हूँ। जी अर्जुन जी, तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा जिसमें लिरिक्स भी मैंने लिखे थे और म्यूजिक भी मैंने दिया था और मेरे ही स्टूडेंट ने गाया था। गाने का नाम है प्यार नाल रखी, तो कुछ लाइनें सुनाऊंगा आपको। हेरा फेरिया ना कर, मैं ता तेरिया, तेनू केड़िया मजबूरिया, मजबूरिया ता दस तेनू केड़िया, अल्लाह कोलो मंग दी दुआ, खुश रखी रब्बा मेरे यार नू, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी मुटे यार नू, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी, प्यार नाले रखी मुटे यार नू।
तो ये गाना कपिल जी मैंने अपने दिल की गहराइयों से लिखा था और आपके चैनल के लिए पेश किया है। और अर्जुन जी, इसके अलावा अपना क्या प्रोफेशन है, इसके अलावा आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं? कपिल जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कपिल जी के सहयोग से ही हम लोग, हमारी पूरी टीम है, कपिल जो हमारे बड़े भाई हैं, जो भी हमें शूट कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, साथ में हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में ही बैठे थे अभी, हमारे रोमी साहिब हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उसके अलावा मेरे पास, आप कहेंगे कि हर चीज़ जो म्यूजिक और वीडियो प्रोडक्शन से काम आती है उससे रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि गाना शूट करना, आर्टिस्ट प्रोवाइड करवाने, और उसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर जितने भी उभरते सितारे हैं, उभरते कलाकार हैं, उन लोगों के लिए हम प्रयास करते हैं कि आप अगर कोशिश करो कि अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास कोई नए आर्टिस्ट पहुँचते हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल अर्जुन जी, एक चीज़ आपसे मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप पिछले दिनों में रामलीला में भी काम किया करते थे, तो उसका कोई मशहूर डायलॉग बोलने की कोशिश करेंगे हमारे सामने दर्शकों तो के लिए? कपिल जी, ऐसा है कि बहुत सारे मैंने कोशिश करी है कि छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, ताकि एक उभर के मैं भी सामने आऊं, अपना जो एक शौक होता है हर इंसान को, तो मेरे भी एक स्टेज से संबंधित, क्योंकि मेरे फादर जो है उन्होंने अपने जिंदगी के 50 साल जो है रामलीला इस रंगमंच पर उन्होंने दिए, और मेरे जो ग्रैंड फादर थे पूजनीय हमारे स्वर्गीय वैद्य नरेंद्र जी शर्मा, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है 16 जुलाई, और उनको 13 साल आज हो गए हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, क्योंकि जब भी हम उनका नाम लेके शहर में किसी को बताते हैं तो इतना प्यार मतलब मिलता है हमें उनकी वजह से, जो हम मतलब कभी ना भूल पाएंगे, पूरा मतलब हमारा मोहल्ला भी उनके नाम से पहचाना जाता है। अर्जुन जी, एक डायलॉग, कोई रावण का एक डायलॉग, कोई रावण का मैं आपको डायलॉग सुना देता हूँ, क्योंकि पिछले दिन जब लॉकडाउन के कारण रामलीला नहीं हो पा रही थी तो हम लोग कलाकार तो मिलते ही थे, तो बैठे बैठे एक बात चली कि चलो रावण का बेटा, रावण से आज हम विवाद करते हैं, मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल मन से डालने का एक सीन उन्होंने कोशिश करी, तो मुझे रावण का सीन ये दिया गया, जब सूर्यनखा का नाक कटता है और वो दरबार में पहुंचती है, तो वो एक डायलॉग है, मैं शायद थोड़ा बोल भी सकता हूँ, कि वो बोलता है, रावण बोलता है, नाक कटी कटती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, पता नहीं बहन सूर्यनखा, ये तेरा किसने हाल किया। तो एक ये डायलॉग है, मेरे फादर का भी ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन जी, नेक्स्ट ब्लॉग आपके फादर साहब के ऊपर ही बनेंगे हम, जरूर जरूर। और मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कपिल जी, आप हमारे जो मेरे फादर के जो छोटे भाई हैं मिस्टर कमल जी शर्मा, जो आपके फादर भी हैं, उनका इंटरव्यू जरूर उनके द्वारा बनाएंगे, जितनी भी ड्राइंग एक्टिविटीज हैं, प्लीज आप जरूर लोगों तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पे काम चल रहा है अर्जुन जी, बिल्कुल। और एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जितने भी नए आर्टिस्ट हैं, चाहे आप सिंगर हैं, गाने लिखते हो, चाहे आप मॉडलिंग करना चाहते हो, और आप पैसों की वजह से या किसी और अन्य कारण की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आइए हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। कपिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आईडी का जो लिंक है, बिल्कुल लिंक, और आपका नंबर भी हम दे देंगे। तो मेरा नंबर तो शायद आपको हो सकता है कि ना डाल पाए किसी कारण की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, बिल्कुल। तो आपको मैं आपको आईडी दे दूंगा, आप प्लीज उसको जरूर मेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बनाते हैं कुछ नए गाने और बढ़ते हैं आगे की ओर। बिल्कुल, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू सो मच।